अलीगढ़ में मनचले युवक से एक छात्रा परेशान हो गई। जानकारी के अनुसार मनचला युवक छात्रा को स्कूल आते जाते वक्त छेड़छाड़ करता था। छात्रा ने मनचले युवक के डर से स्कूल जाना बंद कर दिया। युवती ने परिजनों के साथ आला अधिकारियों से लिखित में शिकायत की है। संबंधित थाना पुलिस को मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाका की रहने वाली पीड़ित छात्रा और उसके मामा ने बताया कि पिछले काफी वक्त से एक युवक लगातार उसे परेशान करता आ रहा है। स्कूल आते जाते छेड़खानी करता है, जिसको लेकर कई बार समझाने का भी प्रयास किया। शिकायत की गई थी कि उसने माफी मांगी, लेकिन बावजूद उसके आज भी मनचला युवक लगातार छात्रा को परेशान कर रहा है, जिससे तंग आकर एसएससी कार्यालय पहुंचकर आला अधिकारियों से लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है, जहां सीईओ बरला ने शिकायत सुनी और संबंधित थाना पुलिस को जांच कर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। एक नीरू चौधरी उर्फ नरेंद्र कुमार सनोप सत्यपाल सिंह निवासी चिंता की नगरिया थाना गोंडा, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, मेरी 15 वर्षीय भांजी को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है, लबड़े का बेचता है, जिसकी सूचना मैंने 19 सितंबर 2019 को जलालपुर चौकी में दी तथा उसको पकड़वाया। उस दिन उसने माफ़ी मांग ली कि मैं इस क्षेत्र में कभी नहीं आऊँगा और ना ही ऐसी कोई गलती करूँगा, मुझे छोड़ दो। तो मैंने उसको उस दिन माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद वो क्या करता है कि 10 दिन बाद फिर आता है मेरे घर की तरफ और वहाँ से चला जाता। जब मैं उसको बोलता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बोलता है मैं गलती से आ गया। जिसकी सूचना मैं जलालपुर चौकी में फिर से दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो 7 तारीख को लड़की के पास आता रास्ते में स्कूल टाइम में, और उसको इशारे करके बुलाता, लड़की जाती नहीं है, लड़की घर पर आके बताती है। तो मैं 10 नंबर पर कॉल की, उसके बाद 10 नंबर से थाना दिल्ली से फ़ोन आता है मेरे पास कि मामला क्या, आप अपनी तहरीर दे जाइए। तो मैं तहरीर दे के आ गया। उसके बाद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ पे बोल दिया कि ऐसे तो घूमते रहते हैं, हम स्कूल नहीं रोक सकते। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल से आती हूँ तो आता है, पीछा भी करता, बुलाता है। कौन है वो? वो गौड़ा में रहने वाला है। क्या नाम है उसका? नीरू। तो आपने उसकी कंप्लेंट करी थी? करी थी, दहली हो गया है, लेकिन उधर पहले पकड़ा भी हुआ था, फैसला हुआ था, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली कि अब मैं दिखाऊंगा अभी नहीं। फिर भी वो उसके बाद आया, लेकिन दहली गेट पर उसकी कंप्लेंट करी थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। दहली गेट का एक प्रकरण था छेड़छाड़ का, क्योंकि यहाँ पर आई पता पत्र एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए, तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी।